नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि कुदरती खेती में या ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिरली खेती करनी चाहिए, पौधों जो है उसमें दूरी बना के रखनी चाहिए। तो जो सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन है, जो SRI से शुरू हुआ था, पैडी से, धान से, या पंजाब में चोना कहते हैं, तो धीरे धीरे कई किसानों ने उसको समझा, उसके विज्ञान को समझा और कई फसलों पे उसको ट्राई किया। तो मैंने भी यहाँ किचन गार्डन में पालक लगाई थी दो ढाई हफ्ते पहले, तो पौधे थोड़े थोड़े निकल आए थे, तीन तीन चार चार पत्तियाँ हो गई थी। तो अभी हमने इसको जो है वो बिरला कर दिया है। जैसे ये कुछ पौधे तो पुराने ही लगे हुए हैं गर्मियों में, वो दोबारा से निकल रहे हैं। तो ये हमने ऐसे इसको तीन तीन चार चार इंच पे ऐसे बिरला करके एक एक पौधा जो है वो लगा दिया है। और लास्ट में इस लाइन में हमने वो छः छः इंच पे भी देखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसकी ग्रोथ होती है, कैसे ये बढ़ते हैं। तो पौधे जब घने लगे होते हैं, संघने लगे होते हैं, तो वो हवा पानी और सूरज की रोशनी, मिट्टी में से जो खुराक है, उसके लिए आपस में फाइट करते हैं। अगर हम दूरी बढ़ा देंगे तो पौधा जो है वो, उसको ज़्यादा जगह मिलेगी, ज़्यादा धूप मिलेगी, तो उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कुछ पौधे हमने वो साथ साथ में जो लगे हुए हैं वो भी छोड़ दिए हैं। तो किसानों को लगता है कि बीज ज़्यादा डालेंगे तो फसल ज़्यादा होगी, लेकिन जितने भी कुदरती खेती के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, वो यही बताते हैं कि पौधे जो है, जो कुदरती खेती है, वो बिरली खेती है। तो जो किसान कुदरती खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो केमिकल फार्मिंग में जितना बीज उनको बताया गया है, तो उससे ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 60-70% या हो सके तो 50% तक के बीज आप इस्तेमाल करिए। तो ऐसे आप ये सब्जियों में भी कर सकते हैं, इसको बिरला बिरला कर दीजिए। पहले हमने गर्मियों में भी ये कुछ पौधे ये लगे हुए हैं, ऐसे ही हमने 8-8, 9-9 इंच पे लगाए थे, तो पौधे जो है वो अपने आपस में भी बढ़ने लगे थे। तो कुछ पौधे हमने इसमें से भी निकाल दिए थे। तो यही है सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, कि आप दूरी बढ़ा के थोड़े थोड़े एरिए में ट्राई करिए कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यील्ड कितना आता है और आपका बीज कितना लगता है। तो SCI की खेती जो है वो बचत की खेती है और प्रॉफिट की खेती है। धन्यवाद।